I welcome all of you on your and this video is related to direct PhD abroad. I have told you many times direct PhD abroad is the wonderful thing. Why it is wonderful thing that also I have discussed many times because we uh, from in the students from India, we want to get best opportunities but we cannot spend a lot of money for higher education abroad. टिपिकली आफ्टर बी टेक अगर आपको एम एस के लिए जाना है एम मास्टर्स के लिए जाना है इन कंट्रीज लाइक यू एस इट इज़ गॉन अ कॉस्ट यू फोर्टी टू फिफ्टी लैक रुपीज़ इन इंडियन करेंसी इन रूपीज फोर्टी टू फिफ्टी लैख नो डाउट वी गेट बैंक लोन एंड ऑल बट इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दैट एंड यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी देयर और ज़्यादा टाइम के लिए तुम वहाँ पे स्टे करें और आपको आफ्टर ग्रेजुएशन गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट पी एच डी इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस एंड डायरेक्ट पीएचडी प्रमोट करने वाला जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ योर पीडिया हमने इंडिया में भी बहुत प्रमोट किया इसको बीटेक के बाद डायरेक्ट पी एच डी एंड नाउ वी आर टेलिंग द सेम थिंग फॉर अब्रॉड डिफरेंस बस क्या है कि इंडिया में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पी में स्कॉलरशिप कम मिलता है थर्टी टू थर्टी फाइव पर मंथ लेकिन अब्रॉड में यही स्कॉलरशिप आपको 2000 से 3000 डॉलर के बीच में होता है ऑन एन एवरेज अगर मैं 2500 डॉलर मान लू ट्वेंटी डॉलर पर मंथ इवेंचुअली यू एंड अप अपटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ सेविंग एंड दैट इज नॉट इवन द सैलरी ऑफ गेजेटेड क्लास वन ऑफिसर इन इंडिया सो यू अंडरस्टैंड दैट डायरेक्ट पी एच डी मेक सेंस there are so many other advantages doing direct phd or phd from abroad that is very good you know research exposure uh, project which is sponsored by industries wo uske kuch benefit hain kuch students jinka direct phd mein admission hua hai unke videos hum publish kar chuke hain और इसमें एक चीज तुम्हें मैं बताता हूँ जो direct PhD में और एक difference India और abroad में है India में अगर आप direct PhD में enroll होते हैं जिसको पाँच से सात साल लगता है तो या तो आप पीएचडी uh, एच लेके निकले या आप खाली हाथ निकले ऐसा होता है सो आफ्टर थ्री फोर इयर्स यू आर एट द मर्सी ऑफ द प्रोफेसर अब्रॉड इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन कन्वर्ट योर पीएचडी आफ्टर टू इयर्स इनटू एम एस कोर्स एंड यू कैन गो एंड डू द जॉब एंड कंटिन्यू योर पीएचडी आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स सो दिस इज द बिगेस्ट यू नो ऑक्सीजन विच यू गेट वैल यू परस्यू द मैराथन कोर्स लाइक पी लंबा कोर्स है आपका इंटरेस्ट भी लूज हो सकता है बीच में एंड यू मे फील लाइक यू नो गोइंग इन टू जॉब मार्केट एंड फॉर दैट डायरेक्ट पी एच डी अब्रॉड इज रियली हेल्पफुल तो अगर आप अब्रॉड से डायरेक्ट पी एच डी करना चाहते हैं एक तो ड्यूरेशन कम लगता है पैसा ज्यादा मिलता है और बीच में आप उसको एमएस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो स्मार्ट मूव क्या है मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ स्मार्ट मूव ये है कि आपको अगर एमएस करने जाना है तो चालीस से पचास लाख वेस्ट करने क्यों है आप डायरेक्ट पी एच डी में जाओ स्कॉलरशिप भी लो पैसा कमाओ भी और उसको कन्वर्ट कर दो एम एस में बाद में जॉब में चले जाओ डोंट यू थिंक यू अर्न मनी फ्रॉम फर्स्ट डे एंड एट द सेम टाइम स्पेंड द मनी प्लीज डू इट चाइनीस नहीं करते हैं कर है. अनिरुद्ध दास आई टी ग्रेजुएट आई टी रुड़की का ग्रेजुएट है और मेरा मतलब आई टी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग का यह नहीं है कि ओनली आई टी एन आई टी के बच्चे जाते हैं अगले जो मैं आपको दिखाऊंगा केसेस वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है बेस्ट पार्ट ये है अब्रॉड में बेस्ट यूनिवर्सिटीज भी लेने के लिए इंडिया से कहां से ग्रेजुएशन किया है वो बहुत मैटर नहीं करता दे फोकस मोर ऑन योर क्रेडेंशियल एंड इट इज अ प्रोबेबिलिटी थ्योरी दैट मीनस मोर यू अप्लाई जिस टाइम पे प्रोफेसर को पीएचडी में स्टूडेंट चाहिए अगर आप उस टाइम पे उसके डोर पे हैं इफ यू नॉक द डोर एट द राइट टाइम द डोर विल ओपन You you may may be be right person, you may not be very appropriate person. But if you knock the door at the right time, when the person who is opening the door for you is actually ready to open the door, if you are at the door that time, तो आपकी selection हो जाएगी और उसको फर्क नहीं आप रुड़की, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता इस चीज का उसको उस टाइम पे एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है हमें वही चीज करनी होती है जो मेंटर आपको ग्लोबल के बताएंगे टोफल की रिक्वायरमेंट अब मैं आपको यह बता रहा हूँ कि हर जगह जी आर चाहिए जीआरई वॉज नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्ट पी एच डी है और टेक्स राइस यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है आप जानते हैं बहुत सा बच्चा बोलता है जी आर ई सो डर लगता है तो क्या जी आर ई रिक्वायर्ड है आंसर इज नहीं इट इज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन उनका सिविल इंजीनियरिंग से है आप में से जो भी सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और ग्रेजुएट है और अच्छा उसका सी जी पी है लट से सेवन प्लस सी जी पी है और ऐसा अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहता है जिसमें स्कॉलरशिप लेना चाहता है अच्छी गेट इन टच विद अनिरुद्ध ऑल्सो विल गेट इन टच विद अनिरुद्ध मे बी यू गेट एन आइडिया बिकॉज अनिरुद्ध ने और जगह पर भी अप्लाई किया था प्लीज परस्यू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड ये आपका बहुत अच्छा uh, बना देगा सारी की सारी प्रोसेस को और स्ट्रीम लाइन कर देगा गेट इन टच विद द मेंटर्स ऑफ यूर पीडिया वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू और आप में से जो टीचिंग में जाना जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एडवाइस डू पी एच डी फ्रॉम अब्रॉड क्योंकि आई आई टी से पी एच डी करके आई आई टी में टीचर लगना डिफिकल्ट है बाहर से पीएचडी करके आईटी में टीचर लगना आसान है और बाहर पीएचडी करना आसान है इंडिया से पीएचडी करने से दोबारा सुना रहा हूं इस चीज को ये जो दो तीन मैंने पॉइंट बोले आईटी से पीएचडी करके आईटी में टीचर लगना इज डिफिकल्ट आईटी से पीएचडी करना बाहर के कंपैरिजन में इज आल्सो डिफिकल्ट बाहर पीएचडी आसान है पैसा भी ज्यादा है आसानी से मिलता है एक्सपोजर भी ज्यादा है तो व्हाई नॉट गो देयर एंड कम बैक एंड सर्व इन आईटी एज अ फैकल्टी दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान एवरीथिंग all the very best friends keep watching Europedia global and yourpedia for such more success stories and you know making the strategy for your career thank you